अगर आपके पास में यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू इज गिवन एंड फाइंड वी, यू इज गिवन, वी को फाइंड आउट करना है, तो क्या लिखोगे? वी को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो टेक डी वी इज इक्वल्स टू, डी वी इक्वल्स टू वॉट, इट इज अ टोटल डेरिवेटिव ऑफ वी। वी किसका फंक्शन है? वी के पास में दो वेरिएबल रह सकते हैं एक्स एंड वाई, सो इसको एक्स और वाई से डिफ्रेंशिएट करो, सो वी को एक्स से करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स। चेन रूल अप्लाई किया, आप लोग ऐसे लिखते हो ना, डी वी बाय डी वाई अगर है तो यू कैन टेक इट इज ए डी वी बाय डी टी इंटू डी टी बाय डी वाई। तो ये विथ रिस्पेक्ट टू वाई, यहाँ पे कैसे लिख रहे हैं हम कि अगर विथ रिस्पेक्ट टू कुछ नहीं है तो ये डी वी बाय डी एक्स इंटू डी एक्स। सो जस्ट हमने चेन रूल अप्लाई करके लिखा, बट हम टोटल डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, तो वेन वी आर डिस्कसिंग द टोटल डेरिवेटिव, इसका मतलब क्या होता है? जितना पॉसिबल है ना उन सब से करना है। सो ये हो गया वाई एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज रूल। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? वी कैन टेक वी विद रिस्पेक्ट टू वाई। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टोटल डेरिवेटिव। और ये अप्लाई होने के बाद में यहाँ पे अप्लाई करोगे सी आर इक्वेशन। सी आर इक्वेशन से क्या होता है? डी वी इज इक्वल्स टू, ये जो टर्म है ना ये कन्वर्ट होगा माइनस यू वाई में एंड दिस टर्म कन्वर्ट हो जाएगा यू एक्स में। और वी तो आपके पास गिवन है, वी अगर गिवन है तो वी कैन फाइंड इट्स डेरिवेटिव ऑफ यू एंड पुट दिस वैल्यू इन दिस टर्म। ओके, सो ये होता है तरीका। नाउ अब ये हो गया फर्स्ट वाला टर्म। समटाइम्स क्या होगा, वी गिवन रहेगा और क्वेश्चन रहेगा फाइंड यू। अगर u को फाइंड आउट करना है तो वी हैव टू टेक डी यू इज इक्वल्स टू यू एक्स डी एक्स यू वाई डी वाई। अब u को क्या करोगे, v में कन्वर्ट करो, v में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग सी आर इक्वेशन। सो u को अगर सी आर इक्वेशन से कन्वर्ट करना है v को, तो डेल u बाय डेल एक्स इज डेल v बाय डेल वाई एंड डेल u बाय डेल वाई इज माइनस डेल v बाय डेल एक्स। सो यहाँ पे ये वाला टर्म, सो जिसको फाइंड आउट करना है उसी का डेरिवेटिव हमें लेना पड़ता है। एग्जाम्पल इज यू इज इक्वल्स टू वन अपॉइंट टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर शो दैट यू इज हार्मोनिक एंड फाइंड इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट। फर्स्टली वी हैव टू शो दैट यू इज हार्मोनिक एंड देन फाइंड इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट। सो हियर यू इज अवर वन बाय टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। हार्मोनिक दिखाने के लिए यू का ट्वाइस डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा, सो टेक इट्स डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लॉग का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन, सो इट इज ए वन बाय टू लॉग इज अवर वन अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट टर्म, सो इट इज ए टू एक्स। नाउ दिस टू टू गेट कैंसल, सो इट इज ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, अगेन टेक इट्स डेरिवेटिव, सो इट इज ए एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस एक्स एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ब्रैकेट स्क्वेयर। यू बाय वी रूल अप्लाई किया, क्वेश्चन रूल, डिविजन एज इट इज न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ना ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस टू टाइम्स एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, सो इट इज ए माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होल स्क्वेयर, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ यू एक्स एक्स। जैसे यू एक्स एक्स है सिमिलरली वी हैव टू फाइंड द यू वाई वाई। अब देखो यहाँ पे ना एक्स एंड वाई को इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका मतलब है यहाँ पे सिमिलरली आप रिमेनिंग डेरिवेटिव्स को निकाल सकते हैं, जस्ट एक्स के जगह पे वाई को रिप्लेस करते जाओ, एक्स एंड वाई को
इंटरचेंज करो, सो यू वाई इक्वल्स टू हो जाएगा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड यू वाई वाई अगर फाइंड आउट करते हैं तो एक्स के जगह पे जस्ट वाई लिखना है, माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर। यू एक्स एक्स का वैल्यू आपके पास में, यू वाई का वैल्यू, दोनों का अगर एडिशन करते हैं तो देयरफॉर यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इज इक्वल्स टू, टेक इट्स एडिशन, सो फर्स्ट टर्म का आंसर है माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर, एंड सेकेंड टर्म का आंसर है माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। नो डिविजन टर्म इज सिमिलर, यू कैन ऐड डायरेक्टली न्यूमरेटर, तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज जीरो, सो यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन्स u is our harmonic function. So therefore, u is harmonic function. Now, if u is a harmonic function, तो अगर हमें harmonic आ गया है तो next क्या रहेगा? Finding harmonic conjugate, that means v. सो वी को फाइंड आउट करना है तो टेक डी वी इज इक्वल्स टू, सो डी वी क्या होता है वी डी एक्स प्लस वी वाई डी वाई, और सी आर इक्वेशन से ये चेंज होके क्या आ जाता है, बाय अप्लाइंग द सी आर इक्वेशन ये वी को यू में कन्वर्ट करना है, तो डी वी इज इक्वल्स टू माइनस यू वाई डी एक्स प्लस यू एक्स डी वाई, this is the total derivative, so therefore dv is equals to minus del u by del y ka value jo humne nikal ke rakha hai wo yahan pe put up kar do, so see del u by del y is our y upon x square plus y square, so here y upon x square plus y square, and del u by del x u ka derivative with respect to x hai, del u by del x is x upon x square plus y square, so here x upon x square plus y square dy, ये जो टर्म होता है वो ऑलवेज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ही होता है, बट हम यहाँ पे शो अगर करते हैं सो here this is our differential equation, show that it is a exact, और exact को show करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये जो dx का coefficient है, coefficient of dx, इसको कर दो differentiate y से, अब y से differentiate करना है ना, तो हमने देखो ये जो लिखा हुआ है minus y x square plus y square, इसको already y से differentiate किया हुआ term यहाँ पे लिख के रखा है, so here इस टर्म को अगर y से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसको u बाई वी रूल अप्लाई करो, या फिर वहाँ से आप लिख सकते हो, बस उसको माइनस से इंटरचेंज करना पड़ेगा, सो यह m को अगर y से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो इट इज़ ए कोशन डिवीजन रूल अप्लाई करना है, सो डेरिवेटिव ऑफ y m विथ रिस्पेक्ट टू y, सो यह डेल m बाई डेल y इज इक्वल्स टू डिवीजन टर्म एज इट इज derivative of numerator minus numerator term as it is derivative of denominator divided by x square plus y square whole square. Now here x square plus y square ये दोनों के सामने minus sign है तो better way कि मैं minus से open ही कर देती हूँ, ज़्यादा easy जाएगा, ये minus into this term, so we can take it is a minus x square minus y square and this minus of minus plus 2y square divided by x square plus y square whole square, that means it is a minus x square plus y square divided by x square plus y square whole square. Similarly, n is our x upon x square plus y square, if we take its derivative with respect to x, so again apply the quotient rule,
to division term as it is, derivative of numerator minus numerator as it is, derivative of denominator divided by x square plus y square whole square. And if we simplify this term, then we get minus x square plus y square divided by x square plus y square whole square. So see here, both the derivatives are equal. So hence, del m by del y is equals to del n by del x. This implies differential equation is exact. Differential equation अगर आपका exact होता है तो exact का फायदा क्या है? इससे हम solution निकाल सकते हैं. So solution मतलब क्या होता है? कि this differential equation को अगर integrate करेंगे तो what is solution? So this is the differential equation and left hand side का integration होता है v. Left hand side में क्या आएगा? V is equals to integration of m dx plus integration of n dy plus integrating constant c. m का derivative integration जो होता है वो होता है partially with respect to variable x, और n में without x terms लेना है. अब देखो m का जो value है उसको पूरा as it is लिखना है. What is I m? m is our minus y upon x square plus y square. So m का value लिख दो यहाँ पे, minus y upon x square plus y square dx plus n. n का quantity, n में से without contain x वाला term. अब n में देखोगे ना तो n is our this one, इसमें तो x है, बिना x वाला term नहीं है. तो यहाँ पे n की जगह पे क्या होगा, without x का term ही नहीं है उसके पास में, तो नहीं है तो we take 0 plus c. n m का पूरा टर्म लिखना है, और n में से कौन सा लिखना है, विदाउट कंटेन x. तो यहाँ पे n के अंदर x कंटेन वाला ही टर्म है, एक ही टर्म है और इट कंटेन x, तो विदाउट x का टर्म नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग इट इज ए जीरो. सो हियर v इज इक्वल्स टू माइनस साइन आउटसाइड इंटीग्रेशन ऑफ y डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx प्लस c. अब यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है. तो ट्रीट y एज ए कॉन्स्टेंट, y को अगर कॉन्स्टेंट के जैसे ट्रीट करोगे, सो हियर v इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर से y इज कॉन्स्टेंट आउटसाइड dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट c. We know that integration of dx upon x square plus a square is 1 upon a tan inverse of x by a. So using this formula, here a ke jagah pe constant kone y. So v equals to outside ka minus y as it is, 1 upon y tan inverse of x by y plus c. So this y get cancelled. So therefore v is equals to minus tan inverse of x by y plus c. So hence we get the value of v. Thank you. Like, share and subscribe.